नेगेटिव क्लिपर सर्किट, नेगेटिव क्लिपर सर्किट, जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारी आउटपुट शेप को और अनवांटेड शेप को रिमूव कर देते हैं। और जो नेगेटिव क्लिपर सर्किट होते हैं वो एसी की नेगेटिव वेव को रिमूव करते हैं और आउटपुट पे हमें सिर्फ पॉजिटिव वेव ही मिलती है। नेगेटिव क्लिपर सर्किट टू टाइप से क्लासिफाइड किए जाते हैं, नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, जब डायोड हमारे लोड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है कुछ इस तरह से, P हमारा इनपुट की साइड होता है, N हमारा आउटपुट की साइड होता है। इनपुट से हम, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। इसमें ऊपर वाले पॉइंट को A दिया गया है, नीचे वाले पॉइंट को B दिया गया है। जब हमारी पॉजिटिव वेव फॉर्म जाती है इनपुट से, अगर हम एसी सप्लाई कर रहे हैं और इनपुट से पॉजिटिव वेव जा रही है, तो इस टाइम पे हमारा ए पॉइंट पॉजिटिव रहेगा, बी पॉइंट नेगेटिव रहेगा। तो जो हमारा करंट है वो पॉइंट ए से फ्लो होना स्टार्ट होगा। इस टाइम पे डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा। डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हमारा करंट क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा लोड के अक्रॉस और आउटपुट पे हमें एक पॉजिटिव वेव मिलेगी। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो सारा करंट क्या, लोड के अक्रॉस जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बायस होने के बाद से लोड के अक्रॉस करंट जाएगा तो हमें एक पॉजिटिव वेव मिलेगी। नेक्स्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल में बी पॉइंट, पॉइंट ये रिवर्स हो जाएंगे, चार्ज बी पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। हमारा करंट पॉइंट बी से स्टार्ट होगा फ्लो करना और ये डायोड की तरफ जाएगा, लेकिन डायोड इस टाइम पे रिवर्स बायस रहेगा, यानी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और आउटपुट पे हमें जीरो वोल्टेज मिलेगी, हमें कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी और हमें आउटपुट पे कोई वेव फॉर्म भी प्रोड्यूस नहीं होगी, हमें आउटपुट जीरो होगी, यानी इसने नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर दिया है। अगेन पॉजिटिव साइकिल में अगेन वही प्रोसेस होगा, पॉइंट ए से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और लोड के अक्रॉस सारा करंट जाएगा और हमें आउटपुट पे एक पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलेगी। अगेन नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में बी पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा और हमारा करंट पॉइंट बी से फ्लो होना स्टार्ट करेगा और इस टाइम पे डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस, यानी कंडक्ट नहीं करेगा और आउटपुट क्या होगी, जीरो, हमें आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। जब हमारा डायोड हमारे सर्किट में लोड के साथ शंट में जुड़ा होता है, यानी पैरेलल में जुड़ा होता है, इसलिए नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट बोलते हैं। इसको हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी से डिनोट किया है। जब हमारी पॉजिटिव वेव फॉर्म जाएगी तो हमारी पॉइंट ए से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, जब हमारा करंट पॉइंट ए से जाएगा डायोड की साइड, तो डायोड रिवर्स बायस होगा, यानी कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमारा सारा करंट क्या होगा, लोड के अक्रॉस जाएगा और हमें आउटपुट पे एक पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलेगी, क्योंकि सारा करंट लोड के अक्रॉस जा रहा है और क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है इसीलिए। जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी उस टाइम पे हमारा जो बी पॉइंट है पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉइंट से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। इस टाइम पे डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और सारा करंट डायोड से यहाँ से फ्लो करने लग जाएगा, जिस कारण ये क्लोज सर्किट की तरह वर्क करेगा और हमें आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, जिससे हमारा जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइकिल है, वो क्लिप हो जाएगी। नेक्स्ट, अगेन पॉजिटिव साइकिल में ए पॉइंट अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, बी अगेन नेगेटिव, कंडीशन वही रहेगी। अगर ए पॉइंट से करंट फ्लो करेगा डायोड अगेन रिवर्स बायस होगा और सारा करंट लोड के अक्रॉस जाएगा और हमें आउटपुट पे एक पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलेगी। अगेन नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में बी पॉइंट पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, करंट हमारा बी पॉइंट से स्टार्ट करेगा और जब ये बी पॉइंट स्ट्राइक, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, कंडक्ट करेगा और सारा करंट डायोड से रेजिस्टर की तरफ फ्लो हो जाएगा और हमें आउटपुट पे अगेन कोई नेगेटिव साइकिल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्लोज सर्किट की तरह वर्क करेगा और ये क्लिप कर देगा हमारे नेगेटिव पार्ट को और आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो।